धरोहर हम सबके नायक दानवीर एवं दानवीर महापुरुष सम्मानीय भामाशाह जी के जयंती के पावन अवसर पर आज का यह कार्यक्रम हमारे दलित समाज के दलित महासभा के लोगों ने आयोजित किया। इस अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के सम्माननीय पर्यटन मंत्री और जिनके जोशीले भाषण को अभी आप सुन रहे थे, ऐसे सम्मान्य श्री नारायण प्रसाद जी, रीगा के सम्मान्य विधायक, हम सब लंबे अरसे तक बिहार विधानसभा में उनके साथ काम करने का हमें अवसर मिला है। श्री मोतीलाल प्रसाद जी, हमारे पेंशन के नौजवान विधायक और 2005 से इनके साथ हमें काम करने का अवसर मिला। हम लोग साथ साथ समिति में भी रहे, काफ़ी सहज और पूरी सरलता को समेटे हुए ऐसे हमारे नौजवान साथी श्री संजय कुमार गुप्ता जी, बिहार विधानसभा के सम्माननीय सदस्य, चिरैया के विधायक और हमारे साथ लंबे अरसे तक विधानसभा में जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया, ऐसे श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, हमारे बीच बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता और सांगठनिक दृष्टि से भी हम सब लंबे अरसे तक काम किए हैं। और जब वैसे की बात होती है तो लाल बाबू प्रसाद निश्चित तौर पर अपने मुखर होकर उसकी लड़ाई को लड़ते हैं। ऐसे सम्मान्य श्री लाल बाबू प्रसाद जी अखिल भारतीय दलित महासभा के सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष, जिनके आदेश पर आज आप लोगों के साथ हमें संवाद करने का अवसर मिला है। डॉक्टर राम बहादुर प्रसाद गुप्ता जी, अखिल भारतीय दलित महासभा के शिवहर जिला के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामाधार शाह जी, नगर निगम मुजफ्फरपुर के सम्माननीय पूर्व महापौर श्री सुरेश साहू जी, जिला परिषद शिवहर के सम्माननीय उपाध्यक्ष, मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारी बहन श्रीमती पार्वती देवी जी, जिला परिषद के पूर्व सदस्य और समाज में हमेशा जिनका सहयोग रहा है श्री अरुण कुमार गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सम्माननीय सदस्य श्री अशोक चंद्रवंशी जी, सम्माननीय मुखिया बहन रेणु कुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा शिवहर के सम्माननीय अध्यक्ष रामनाथ सुमन जी, हम जिनके साथ चलकर आए और जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति को सुनिश्चित करने का काम किया है, ऐसे हमारे नौजवान साथी श्री मुकेश जी, रामनाथ हमारे भाजपा के पूर्व नगर के अध्यक्ष वर्दीप प्रसाद जी, कृष्णनंदन प्रसाद जी, डॉक्टर रमेश कुमार जी, श्री उपेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, जिला परिषद की सामान्य सदस्य मीना देवी जी, हमारे भाई बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सम्माननीय जिला के उपाध्यक्ष, नगर के अध्यक्ष
एवं सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण, मंच के संचालक जिन्होंने काफी खूबसूरती से पूरे इस कार्यक्रम का संचालन किया, ऐसे प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी, और लगातार 11 बजे से इस कार्यक्रम के प्रारंभ की प्रतीक्षा में बैठे शिवहर जिला के कोने कोने से आए हुए हमारे भाइयों और बहनों, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहने, मीडिया के मित्रों, नौजवान साथियों, आज 12:30 बजे से लगातार 3 घंटे से हम अपने भारत के धरोहर और जिन्होंने भारत के उस कालखंड में एक योद्धा के रूप में देश को बचाने के लिए साथ दिया, उस समय मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप, मुगल बादशाह अकबर से लोहा ले रहे थे और वैसे कालखंड में उन्होंने जो उनकी राष्ट्रभक्ति थी, जो राष्ट्र के प्रति उनका अगर प्रेम था, उसके कारण महाराणा को पग पग पर साथ दिया। ऐसे भामाशाह को हम सब आज याद कर रहे हैं। मित्रों, वो ऐसा वक्त था जहां सूरवीर राजा हुआ करते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो अपने धन के शौर्य के साथ साथ उनके पास धन भी था और उस धन से उन्होंने अपने देश की, अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने महाराणा प्रताप को साथ दिया, आज भी पूरा देश, पूरा विश्व उन्हें याद करता है। मित्रों, आज जो हमारा वैश्य सामाजिक वर्ग है, उस पर लगातार अलग अलग हमारे विद्वान वक्ताओं ने वैश्य समाज का पूरे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में जो उनका योगदान है, अवदान है, उस पर विस्तार से सब चर्चा करने, चाहे वो आजादी के पूर्व का कालखंड हो, चाहे आजादी के बाद का कालखंड हो, वैश्यों ने हमेशा आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश जब भी संकट में पड़ा है, वह समाज के अग्रणी महापुरुषों ने देश की रक्षा के लिए अपनी तिजोरी खोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। बाबा साहब जी महाराणा प्रताप के साथ बाल्यकाल से उनका संबंध रहा और महात्मा गांधी ने कभी अपरिग्रह की चर्चा की थी, उन्हें धन जमा करने का शौक नहीं था, उनका धन देश के नाम था, वो धन इकट्ठा करके कोई बहुत धन्ना सेठ नहीं कहलाना चाह रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी पूंजी को, अपनी गाड़ी कमाई को भी देश के लिए निछावर किया, इसलिए सैकड़ों वर्ष के बावजूद भी देश लगातार उनको याद करता है। और भामाशाह का सहयोग, महाराणा प्रताप की जो मेवाड़ की आजादी की लड़ाई था, उसमें एक निर्णायक क्षण में भामाशाह का सहयोग काफी वो निर्णायक साबित हुआ। महाराणा प्रताप ने सिर उठाकर जीना सीखा और उस समय जब मुगलों का आक्रमण हुआ, भले उन्होंने घास की रोटी खाई, लेकिन शीश कभी मुगल शासक के सामने नहीं झुका और इसके नहीं झुका कि भामाशाह ऐसे विराट व्यक्तित्व के मालिक, उनके सहचर के रूप में, उनके बगल में साथी के रूप में विराजमान थे। मित्रों, अभी नारायण प्रसाद जी ने ठीक ही कहा कि जो कौम अपने पुरखों को याद नहीं करती, अपने
पूर्वजों को याद नहीं करके वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, भारत वीरों की धरती रही है, भारत वीरों शौर्य वालों की धरती रही है। देश में जब जब संकट पड़ा है, चाहे वो मुगल का कालखंड हो, चाहे वो अंग्रेज का कालखंड हो, भारत के लोगों ने, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, वैश्य समाज के लोगों ने हमेशा देश के लिए खड़ा होने का काम किया है। बाबा साहब ने भी देश के लिए अपने तिजोरी को खोलने का काम किया, और आजाद जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी के साथ जमनालाल बजाज जैसे लोग भी देश की रक्षा के लिए अपनी तिजोरी खोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं। हमने हमेशा समाज को पोषित किया। आज जब पूरे पिछले इतिहास के कालखंडों को आप देखेंगे तो जब भी देश को जरूरत पड़ी, वैश्य समाज के लोगों ने खड़ा होकर देश के लिए अपने तिजोरी और शौर्य का प्रदर्शन करने में हिचकिचाहट नहीं की। मित्रों, अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कई बातें कही हैं। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जो आपके घर के बेटा को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। भारत के सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब आपके हमारे बीच से जन्मा हुआ वो बालक नरेंद्र जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तख्त पर बैठा तो उन्होंने भारत के लोगों की पीड़ा को समझने का काम किया। चाहे कोरोना संकट हो, चाहे देश, जब भारत जैसा देश जब वामपंथ और दक्षिण पंथ रूस और अमेरिका के पीछे फंसा हुआ था, लेकिन आपके घर का बेटा भारत का सोशल प्रधानमंत्री, जब भारत का प्रधानमंत्री बना तो सिर उठाकर पूरे वैश्विक स्तर पर विश्व का नेतृत्व करने का साहस पैदा किया। और यही कारण है कि आज अमेरिका और रूस ऐसे देश भी आज भारत के पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं। यह नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस तरह के वातावरण को तैयार किया। मित्रों, आपको याद होगा जब मेडिकल के छात्र यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और जब रूस ने आक्रमण किया और जब मेडिकल के छात्र अपने अपने देश लौट रहे थे तो भारत के तिरंगा को लपेट कर भारत के जो छात्र थे अपने रोमानिया और पोलैंड की सीमा पर जा रहे थे तो भारत का तिरंगा को देखकर रूस के बम्बर शक्तिमान को एहसास नहीं होता था कि हम उन पर बम की वर्षा कर सके। यही भारत के नरेंद्र मोदी की ताकत थी, यही भारत के तिरंगे की ताकत थी, शक्ति इसे नरेंद्र मोदी ने पैदा किया। अपने देश की बात तो छोड़ देंगे, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी मेडिकल के छात्र अपने अपने देशों के विमान पर चढ़ने के लिए पोलैंड और रोमानिया की सीमा पर जा रहे थे तो उसने अपने देश का झंडा शरीर में नहीं लपेटा था, बल्कि भारत का तिरंगा को लपेट कर अपने सीमा पर जाकर अपने अपने स्वदेश के लिए वो रवाना हुआ। यही ताकत है, यही संस्कार है अपने लोगों का। अपने घर का बेटा जब भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो वो पूरे देश के लिए सोचता है। हम इसलिए कहते हैं मित्रों कि कभी कभी लोगों को लगता है कि वैसे समाज 52 भागों में बटा हुआ है, 30 भागों में बटा हुआ है। मैं अभी लाल बाबू प्रसाद से चर्चा नहीं कर रहा था कि वैसे समाज आके कितने भागों में बट रहा, तो 30 कर रहे थे, लेकिन जो अन्य जो हमारा उपवर्ग है अगर उसको जोड़ दिया तो हम बाबा से कम नहीं। यह हमारे गौरवशाली इतिहास का उदाहरण है, हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, इसीलिए हम एक से आज 52 के श्रेणी में भी बटे हैं। यह कोई हमारे लिए विचलित करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा परिवार महापरिवार है। हम पूरे देश में बिखरे हुए, अलग अलग नामों से बिखरे हैं,
और कहेंगे पूरे भारत को हम अपने मेहनत से अपने पसीनों से कमा कर कोशिश करने का काम करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब हमारी दुकानें जब किसी राजनीतिक दल का पद का आह्वान होता है तो जब हमारे दुकान का संकेत मिलता है तभी उनका पद सफल होता है। यही मैं समाज की ताकत है। अगर कल हमारी दुकानें बंद नहीं हो तो किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा। ये आपकी ताकत है। इसलिए इस ताकत को पहचान करके हमें जात से जमात की ओर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देश की सेवा के लिए पैदा हुए हैं, हम समाज की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए हम अपने धन से, अपने शॉट से, अपने बौद्धिक क्षमता से हम पूरे समाज की सेवा करें, तभी अपना समाज भी आगे बढ़ेगा। और आज हमारा समाज जो पूरे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो बिखरा हुआ है, उस वो जहां भी वो है अपने समाज की सेवा करके अपनी पहचान बनाए। मैं आज के इस भामाशाह जी के प्रति अपने उन्हें सम्मान प्रकट करते हुए हम उन्हें बार बार नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। अभी हम काम बाबू प्रसाद जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी ने वाणिज्य विभाग में भामाशाह पुरस्कार की घोषणा की थी, उस समय बैठ चल रहा था, लेकिन जीएसटी के बाद इस पुरस्कार को वापस लेना पड़ा। मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से भी बात की है कि राज्य स्तर पर नहीं लेकिन अंचल के स्तर पर जो वाणिज्य का अंचल है उस अंचल पर, अंचल स्तर पर जो सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह जो प्रतिष्ठान कर रहा है उसको हम भामाशाह पुरस्कार आने वाले 1 जुलाई से देना प्रारंभ करेंगे। इससे मैं विभाग को निर्देश भी दिया है मित्रों। और इतना ही नहीं, आपने एक आग्रह किया है कि आप जब बाबा साहब ने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, जब भी महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं तो सहज रूप से बाबा साहब की याद होती है, तो उन्हें पाठ करने शामिल करने के लिए आप सबों ने आग्रह किया है। इस पर निश्चित तौर पर हमारी सरकार उस मामले को देखेगी। मैं वादा तो नहीं करता लेकिन हम प्रयास करेंगे कि पाठ करने पे इसे शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसे लागू करने का हम सब प्रयास करेंगे। मित्रों, इधर आपराधिक घटनाओं के बारे में भी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मैं लगातार पुलिस महानिदेशक के संपर्क में हूँ। मैंने कहा भी है कि अपराध किसी के साथ भी होता है उसे रोकना है, लेकिन व्यवसायियों को अगर कोई दोहन कर रहा है कोई अपराधी, उसके लिए विशेष टास्क फोर्स भी गठन करना पड़े तो करे, लेकिन हमारे जो व्यवसायी हैं चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग और किसी भी धर्म से है उन्हें संरक्षण देना किसी भी सरकार का दायित्व है। उस मामले में हमारी सरकार निश्चित तौर पर पहल कर भी रही है और आने वाले दिनों में उनके सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम निश्चित तौर पर हम करने का काम करेंगे। अभी हमारे पूर्व के माननीय वक्ता ने महिला डिग्री कॉलेज की बात की है, लेकिन हम आपको विनम्रता से बताना चाहते हैं कि सह शिक्षा के कारण अब अलग से कोई महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना संभव नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने प्रत्येक अनुमंडल में 1 डिग्री कॉलेज खुले इसकी घोषणा की है और हमारी सरकार उस पर धीरे धीरे अमल कर रही है। लेकिन आपने समाज के लोगों से भी आग्रह करेंगे, हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन प्रतिभाओं का को खोज कर उनका चयन करके अगर कोई शैक्षणिक स्तर पर कुछ अच्छा करना चाहता है, अगर कहीं धन की रुकावट है तो जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर ऐसे लड़कों को चिन्हित करें और उन्हें विशेष शिक्षा देने के लिए आपको हमको सबको आगे आना पड़ेगा, जिससे कि वो योग्यता के अनुसार अपने पद को प्राप्त कर सके और वो समाज के बेहतर ढंग से सेवा कर सके। ये आपसे जरूर आग्रह करेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि लाल बहादुर प्रसाद ने ठीक ही कहा कि जो दिखता है वही गिरता है।
भूमिका को राजनीति पर सामाजिक जीवन में सुनिश्चित करेंगे तो सभी दल कहीं कहीं आपको निश्चित तौर पर मौका देंगे, लेकिन जिस पार्टी से आते हैं वह हमेशा हम सब लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो हमारे व्यवसायी है उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उनके उत्थान के लिए उनके विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे हमारी सरकार से और अच्छे अपेक्षा करिए। हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायक भी बैठे हुए हैं, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हर पल जहाँ सरकार की आवश्यकता है सरकार आपके साथ निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि जब आपके घर का बेटा बिहार का उपमुख्यमंत्री है, बिहार के एक व्यक्ति के सेवा के लिए जब हमें हमारी पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जब हमें इस दायित्व पर सेवा करने का अवसर दिया है तो सेवा में कहीं कहीं आप भी जरूर होंगे, ये हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मित्रों समय की कमी है, काफी लंबे वक्त से आप बैठे हुए हैं, भूख भी लगी होगी, भोजन का समय भी बीतता जा रहा, लेकिन अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम सब संवेद इकट्ठे होकर जात से जमात की ओर चलेंगे, जो समाज देश समाज की सेवा किया है उसी की हमेशा पूछी है। बाबा साहब ने राष्ट्र के लिए धन का उपयोग किया, आज भी लोग जब महाराणा प्रताप की चर्चा होती है तो बाबा साहब को लोग याद करते हैं, यह एक बड़ा उदाहरण है। हम जब समाज की सेवा करेंगे तो कहीं कहीं समाज भी हमें एक पहचान देगा, समाज भी हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हमें हमारे साथ चलेगा। इन्हीं सब सबकों के साथ आपने इस अवसर पर हमें आने का अवसर दिया, शिवहर जिला के तमाम समाज के साथ साथ सभी क्षेत्रों के लोगों से, सभी समाज के लोगों से, सभी धर्मों के लोगों से जो मिलने का हमें अवसर दिया, इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी का और आप सबों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। इन सब सबों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम।